Please like, share this video and subscribe to my YouTube channel. मेरा नाम राकेश है। ये बात उस समय की है जब मैं 10th क्लास में था। मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक शहर था मछलीपट्टनम। मैं मछलीपट्टनम की हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी आसपास के गांव और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थे। वो सब जल्दी चले गए। मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, वो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ गया था, जिस कारण से मेरे बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया था ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे यही रुकने का मंजूरी दे दी। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे अब वे भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में बचा तो मैं और वार्डन ही था। दिवाली की रात आने वाली थी तो हॉस्टल वार्डन भी मुझे चाबी देके अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई थी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और ऊपर से आती हुई ये आवाज मेरे शरीर में कपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था क्योंकि बाहर कौन है ये मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज आई। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। आवाज थोड़ी देर तक हुई, फिर घोर सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल में। मैं पहली बार फील किया कि डर क्या होता है। रात अभी भी बाकी थी। यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई। तभी दरवाजा को जोर जोर से उसने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राकेश। बस ये काफी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वो आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। बहुत ही डर गया था और वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाजा खोल, नहीं तो राकेश, दरवाजा खोल। वो अब बहुत गुस्से में था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाजें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला, वहां कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशाने थे। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशाने भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कभी वही थे ही नहीं। खैर, उसके बाद मैंने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी की और पेपर भी अच्छा गया। अब मुझे 6 महीने के बाद घर जाने का मौका मिला। हॉस्टल से घर जाने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। फिर मेरा गांव के लिए बस आई। मैं बस में चढ़ा और जाकर आखिरी सीट पर बैठा। मेरे सामने वाली सीट पर बुर्का पहने 2 औरतें बैठी थी। सामने वाली सीट पर एक औरत एक छोटे बच्चे के लेकर बैठी थी। वो औरत उस छोटे बच्चे के माँ थी। ड्राइवर के अलावा उस बस में केवल हम 4 ही लोग थे। वो छोटा बच्चा बहुत सुंदर और क्यूट था। जब बस चल दी और आधे रास्ते पार की, वो दोनों महिला जो बुर्का पहन रखा था, उस छोटा बच्चे को उस बच्चे की माँ से मांगा। काफी देर तक उस बच्चा के साथ खेलने के बाद वो 2 औरतें उस छोटा बच्चा को बुर्के के अंदर ले लिया। ये कैसे किया पीछे की सीट पर बैठे मेरी समझ में नहीं आया।
फिर मानो वो बच्चा रोने लगा। उस बच्चा की माँ ने अपने बच्चे को रोने का सुन लिया। इतना रो रहा था कि वो छोटू माँ ने उसे वापस देने को कहा, पर वो दोनों औरतें कुछ नहीं बोली। कितनी बार मांगती रही पर वो बच्चा नहीं दिया। माँ को गुस्सा आया और मुंह का पूरा बुरका खींच लिया, यह देखने के लिए कि वे उसके बच्चे के साथ क्या कर रहे थे। फिर जो हुआ सुनकर आपको डर के मारे नींद भी नहीं आएगी। ऐसे ही पीछे की सीट पर बैठे मैंने अपनी आंखों से देखा, पता है क्या हुआ, उस बच्चे का दोनों पैर वो दोनों महिला के मुंह के अंदर था और दोनों महिला उस बच्चे को खा रहे थे। वो छोटा सा बच्चा दर्द सहन नहीं कर सका और रो रहा था। तुरंत उसने अपने बच्चे को उनके मुंह से खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। पीछे की सीट पर मैं भी डर गया था, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मुझे बच्चे को बचाने में उसकी मदद करना होगा। जब मैंने उठने की हिम्मत की तो बुर्के में महिला ने हमें धक्का दिया, बच्चा को लेकर बस से कूदकर भाग गया। बस ड्राइवर भी ऐसे ही बस चलाता रहा जैसे कुछ भी हुआ नहीं। बस नहीं रुकी, बच्चे की माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन औरतों की चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन जब बच्चा की माँ ने बुर्का खींचा तो जरूर देखा होगा। ये जरूर देखा होगा कि वो दोनों औरतें कौन थी और बच्चे को नरभक्षियों की तरह क्यों खा रही थी। जब मैंने पुलिस को कंप्लेंट करने की बात की, उस माँ ने ऐसा कहा कि हम क्या फरियाद करेंगे बाबू, मेरे बच्चे को जो ले गए वो इंसान थोड़ी ना। जैसे ही मैंने वो शब्द सुना, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरा दिल रुक गया हो। मैंने पूछा, फिर वो कौन? उसने कहा, वो राक्षस है बाबू, मैंने उनको चेहरे को देखा है, उन्होंने मेरे बच्चे को तो ले गया और मेरा बच्चे को खा गया होगा। वो औरत रो रही थी। मैं ड्राइवर के पास गया और उस बस को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर बस ऐसा चला रहा था जैसे वो नशे में है और मेरी बात नहीं सुना। मुझे शक हुआ, क्या वो भी कहीं भूत तो नहीं। अब उस बस में हम तीन ही लोग थे। जो भी हो, मैंने ब्रेक लगाने की हिम्मत की, बस रुकी। मैं उस माँ के साथ बस से उतरकर बाहर सड़क पर खड़ा हो गया। ड्राइवर पहले भी चुप था और अभी भी। मैं उसे वहां से ले गया और धीमे धीमे कदमों के साथ गांव पहुंचा। गांव में हर घर की दीवार पर एक ही चीज लिखा हुआ था कि वो है वो स्त्री का लाना। मैं 6 महीने बाद घर आ रहा हूं। पूरा गांव बल्ला नजर आया। मैंने उसे उनके घर के पास छोड़कर अपने घर जा रहा था। गली में चलते समय मैंने नोटिस किया कि सबके घर के दरवाजे बंद थे। गली में मेरे अलावा कोई नहीं था, कम से कम एक कुत्ता तक नहीं था। मैं चल रहा था और सोचने लगा, मेरे साथ हुई हर एक बात को याद करूं तो बात कुछ एक के साथ एक ऐसे जुड़ गया जैसे कि दिवाली के दिन कोई मुझे मेरे नाम से पुकारा था, कोई दरवाजे पर नाकुने को खरोच लिया था, बस में बुर्का पहने दो भूत बच्चा को खा रहे थे, और जब गांव में अंधेरा छा गया, लोगों ने दरवाजा बंद कर दिए और दीवारों पर एक ही बात लिखा है, वो स्त्री का लाना। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास छिपे राक्षसों ने लोगों पर अचानक आक्रमण कर दिया हो। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, दूसरा पार्ट भी चाहिए। फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ, तब तक जय हिंद।